सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, भिन्न भिन्न जीवन के महानुभावों ने जो भाव व्यक्त किए हैं, मैं उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। सुषमा जी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे, जीवन के अनेक पड़ाव थे, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक अनन्य निकट साथी के रूप में काम करते करते अनगिनत अनुभवों, घटनाओं, उसके हम जीवन साक्षी हैं। व्यवस्था के तहत, एक अनुशासन के तहत जो भी काम मिले उसको जी जान से करना और व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी करना, जो भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं उन सब के लिए इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है जो सुषमा जी के जीवन में हमने अनुभव किया है। इस बार जब उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया, एक बार पहले भी ऐसा फैसला किया था, और वो अपने विचारों में बड़ी पक्की रहती थी, तो मैं और वेंकैया जी उनसे मिले। उन्होंने मना किया, लेकिन जब कहा कि आप कर्नाटक जाइए और एक विशेष परिस्थिति में इस मुकाबले में जीत गए, परिणाम करीब करीब निश्चित था, लेकिन ये चुनौती भरा काम था, पार्टी के लिए मुझे करना चाहिए, एक पल का भी ना कहे बिना उन्होंने उसको किया। परिणाम निश्चित था, फिर भी किया। इस बार मैं उनको बहुत समझाता रहता था कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे आप एक बार, लेकिन इस बार वो इतनी पक्की थी और उनको भी पता था कि शायद कहीं पीछे से मुझ पर दबाव आ जाएगा, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी ताकि कोई किसी का दबाव चले ही नहीं। यानी वो अपने विचारों की पक्की भी थी और उसके अनुरूप जीने का प्रयास भी करती थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई मंत्री या कोई सांसद नहीं रहता है, मंत्री नहीं रहता है, लेकिन सरकार को उसका मकान खाली कराने के लिए सालों तक नोटिस पर नोटिस भेजनी पड़ती है, कभी कोर्ट कचहरी तक होती है। सुषमा जी ने एक प्रकार से सब कुछ समेटने का तय ही कर लिया था। चुनाव नतीजे आए, उनका दायित्व तो पूरा हुआ, पहला काम किया मकान खाली करके अपने निजी निवास स्थान पर वो पहुंच गई। सार्वजनिक जीवन में ये सब चीजें बहुत कुछ कह जाती है। सुषमा जी का भाषण प्रभावी होता था, इतना ही नहीं है, प्रेरक भी होता था।